नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। जबलपुर में आज थाना हनुमानताल में मक्का नगर गली नंबर 7 में रहने वाली महिला शहजादी खान पत्नी मोहम्मद हमीम ने थाने में शिकायत दर्ज की कि रात 10 बजे घर के बाहर के कैमरे तोड़कर पहले अरशद नईम और मगन ने सोने घर में दरवाजा तोड़कर घर में अकेले रह रही महिला के साथ मारपीट की। घर में रखे सामान को तोड़फोड़ कर गले के मंगलसूत्र, चैन, अंगूठी और नकदी समेत लूट कर ले गए और रिपोर्ट की तो जान से मारने की धमकी भी दी है, जिस पर संपूर्ण घटना की जानकारी आज थाना हनुमानताल अंतर्गत की गई, जिस पर वारदात कैमरे तोड़ने की घटना पास के ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मैं मोहम्मद हमीम खान गली नंबर 7 में अपनी पत्नी को लेकर साथ में रहता हूँ, जिसके कारण आए दिन ये पहले लोगों के साथ वहाँ बैठ के दारू वारू पीना, छेड़छाड़ करना, ये सब चीज़ें करता था, जिसका हमने विरोध किया। जिसके पहले इसने मेरे घर में तोड़फोड़ कर चुका, जिसकी मैंने कंप्लेंट डाला था, मेरी बीवी के साथ भी छेड़छाड़ किया था इसने, तो 24 दिन में ये जेल से छूट गया। फिर और ये अपराधी आदमी है, इसके बहुत से अपराध हैं। अभी कल हम अपनी पत्नी को दावत से लेके आए हैं और घर में छोड़े हैं, तो पुराने केस को बोलता खत्म करवाओ, नहीं तो फिर हम ये कर देंगे, घर में आग लगा देंगे और ऐसा वैसा, समझे। कौन है ये, कहाँ रहते हैं, क्या काम? छर्रा नाम है उसका, पिता का नाम उसके कबीर है और दो लड़के और थे, एक का नाम नईम है और एक का नाम मंगन है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? पंप हाउस के रहने वाले हैं और छर्रा वहीं रहता है मक्कई नगर में, और वहाँ उसका घर नहीं है लेकिन इसके बाद वहीं बैठा रहता है दिन भर 7 नंबर गली में। और ये विवाद चाहता है, मतलब हमेशा विवाद करना चाहता है, अपन विवाद नहीं करना चाहते थे लेकिन उस चक्कर में ये है, तो धमकी देता है मेरे को कि अब कंप्लेन करा तो जान से मार देंगे। कल रात में भी उसके कई कॉल आए और उसने धमकियाँ दिया कि 2 महीना काटेंगे जेल और बाहर निकलने के बाद तेरे को जान से मार देंगे, ये वो। तो अभी जो भी घटना अगर मेरे साथ होती है तो उसका जिम्मेदार अरशद छर्रा और उसके साथ ही रहेंगे, और हमारी पत्नी के साथ भी अगर कोई कुछ लूट भी किए थे ऐसा सुनने में आया। जी कुछ लूट भी हुई थी क्या? जी कुछ लूट हुई थी, इनके मंगलसूत्र था, कुछ अंगूठियां थी एक दो, तो वो चले गए हैं, कैश ऐसा नहीं किया है, पर कुछ सामान था अलमारी में, तो उन लोग तोड़फोड़ किए बहुत। बागेश्वर कुवेश्वर धाम में हुई मौतों को लेकर राज्यसभा सांसद का बड़ा बयान। जबलपुर कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने बागेश्वर और कुवेरेश्वर धाम में हुई मौतों को लेकर शासन को जिम्मेदार ठहराया है, जहां उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से बागेश्वर और कुबेरेश्वर धाम में मौत हुई है, सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार शासन है, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन और लाखों की भीड़ की जिम्मेदारी शासन की थी, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बिगड़ी और हालात खराब हुए, उसकी जिम्मेदारी शासन की है। वहीं उन्होंने कहा कि देश विश्वास से चलता है, न कि इस प्रकार के अंधविश्वास से। कर रही है ना समर्थन कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की डेथ हुई है, चाहे कुबेरेश्वर धाम की बात हो चाहे बागेश्वर धाम की बात हो, जब मौत की खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर सवाल उठते हैं। व्यवस्था किसने बिगाड़ी है? जो लोग आजकल शासन में हैं उन्हीं लोगों ने ये व्यवस्था बिगाड़ी है। मैं तो कल भी मैंने एक टीवी चैनल को, जब मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं साइंटिफिक टेंपर में बिलीव करता हूं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, देश साइंटिफिक टेंपर से चलना चाहिए, देश विश्वास से चलना चाहिए, अंधविश्वास से नहीं चल सकता।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक किसान के सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई। मृतक किसान का नाम नीरज लोधी है, जो कि चौकी दाल का रहने वाला था। सूचना मिलने पर तिलवारा थाना पुलिस सहित एफएसएल की टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को मृतक के पास ही उसकी स्कूटी और खून से सना पत्थर भी मिला। बताया जा रहा है कि मृतक रविवार की शाम अपने घर से कुछ काम से निकला था और जब देर रात तक वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसे तलाश भी किया। आज सुबह 11 बजे स्थानीय लोगों ने तिलवारा थाना पुलिस को सूचना दी कि सगाड़ा मार्ग के पास स्थित खाली मैदान में खून से सना शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद एएसपी क्राइम समर वर्मा, सीएसपी शशांक सहित टीआई मौके पर पहुंचे। शव के पास में एक स्कूटी खड़ी थी। पुलिस ने गाड़ी का नंबर ट्रेस किया तो पता चला कि गाड़ी नीरज लोधी की है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी तो उन्होंने बताया कि नीरज कल शाम से लापता था। थाना प्रभारी तिलवारा आर के झारिया ने बताया कि मृतक की उम्र 30 साल है, जो कि खेती किसानी किया करता था। कल शाम को अपनी स्कूटी से निकला था। मृतक के सिर और सीने में गंभीर चोटें हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर अज्ञात हत्यारों की तलाश में जुट गई है। वही केंद्र सरकार के नेतृत्व में पूरे देश में सरकार की उपलब्धियां और प्रदेश जिलों में हुए विकास को लेकर जनता के बीच विकास यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में जबलपुर कैंट विधानसभा अंतर्गत बिलहरी के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में कैंट विधायक अशोक रोहाणी के नेतृत्व में विकास यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारे निगम अध्यक्ष जी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री आशीष महोदय हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार रानी लक्ष्मीबाई वार्ड कैंट विधानसभा के अंतर्गत यहां पर बिलहरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पूरे वार्ड का भ्रमण करके लगभग 1 करोड़ की लागत के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ साथ और जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को निपटाने का काम इस माध्यम से करेंगे। निश्चित रूप से यह विकास यात्रा हम सबको जनता से सीधे संपर्क, आपका सेवक आपके द्वार, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार यह कार्यक्रम हो रहा है और इसका अभूतपूर्व उत्साह और उमंग इस विकास यात्रा में हमको मिल रहा है। नाबालिग बच्ची ने खुद को लगाई आग। ग्वालियर में एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने घर में बने टॉयलेट में जाकर खुद को आग लगा ली। आग लगते ही नाबालिग चीखने लगी। आवाज सुनते ही पड़ोसी उसके घर पहुंचे, लेकिन टॉयलेट का दरवाजा अंदर से लॉक था। पड़ोसियों ने तत्काल टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर नाबालिग को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नाबालिग की मौत की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची। नाबालिग के शव को निगरानी में लेकर पीएम करवाने के बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। वहीं उमरिया जिले में बंद कोयला खदान में ड्यूटी कर रहे 2 CISF जवानों पर 10 से 12 हमलावरों ने हमला किया। घटना वीरसिंहपुर पाली में रविवार रात की है। हमलावर चोरी के मकसद से आए थे। उन्होंने सुरक्षा में तैनात जवान संजीव लोधी और अंकित जाट पर हमला कर घायल कर दिया। जवानों को वीरसिंहपुर पाली अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत होने पर अंकित जाट को शहडोल रिफर किया गया। जवान संजीव लोधी ने बताया कि 10-12 लोग आए और चाकू कुल्हाड़ी से हमला किया। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।